पेश करने जा रही हूँ। माजिद सामाईन असतजय क्रमण प्यार बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सच्ची बात हमेशा कहना और कभी पीछे ना रहना। गांधी जी का है ये कहना खामोशी से दूर ना रहना। गांधी जी, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं कि मैं इसी हंसी मस्ती की बात कर रही हूँ जिनकी सच्चाई और दयानतदारी में कोई मिसाल कायम नहीं कर सकता। वो अजीम कदर शख्सियत का कोई सानी नहीं, वतन अजीज के रहनुमा जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से गांधी जी और बापू कहते थे। कौम के लिए इनके बेसबा खिदमत के एतराफ़ में इन्हें बाबा कौम और महात्मा का लकब दिया गया। गांधी जी भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा और आज़ादी के अहम तरीन मतवाले थे। उन्हें जिन्हें अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी, उन्होंने सच्चाई और आदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। गांधी जी ने कई तहरीकें चलाए, उन्होंने मशहूर अदम ताउन की क्यादत की। गांधी जी ने हमारे भारत को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करा दिया और मुल्क में स्वराज कायम किया। गांधी जी उर्फ बापू सच्चाई ईमानदारी और अहिंसा के बड़े पक्ष थे। यहाँ यूँ कहिए कि वो सच्चाई के पेकर थे। उनकी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें उनके लिए अहमियत रखती थी। गांधी जी हमेशा सच कहते और लोगों को सच बोलने की तकलीफ करते और उनको उसकी तरकीब देते। वो हमेशा सच्चाई का साथ देते और झूठ फरेब धोखे की सख्त मुखालिफ करते। हमें भी हमेशा सच कहना चाहिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।